जिला बिलासपुर में एक शराबी का वीडियो आजकल सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। आपने बड़े से बड़े शराबी देखे होंगे, लेकिन ऐसा शराबी नहीं देखा होगा जो शराब के नशे में बीच सड़क में नंगा होकर हाई वोल्टेज ड्रामा करता है, वो भी किसी ग्रामीण रास्ते पर नहीं बल्कि राष्ट्रीय राजमार्ग धर्मशाला शिमला के गसोड़ के समीप चौक पर किया। कभी वह शराबी बीच सड़क में लेट जाता तो कभी दंड बैठक निकालता है, तो अभी बीच सड़क पर हुड़दंगबाजी करता। ये कोई ग्रामीण रास्ता नहीं बल्कि राष्ट्रीय राजमार्ग धर्मशाला शिमला है, जहां से सैकड़ों वाहन गुजरते रहते हैं। ये शराबी अपनी जान को तो जोखिम में डाल ही रहा है, बल्कि यहाँ वहाँ से गुजर रहे सैकड़ों वाहन चालकों यात्रियों की भी जान जोखिम में डाल रहा है। सड़क पर लेटने से हुड़दंगबाजी करने से कोई भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है, लेकिन वहाँ से गुजर रहे लोग और तमाशबीन बने लोग उस शराबी को सड़क के बीच नहीं हटा रहे हैं, और न ही किसी ने पुलिस को सूचित किया, मात्र सड़क में तमाशबीन बनकर देख रहे हैं। वीडियो में स्पष्ट ये दिख रहा है कि अधेड़ उम्र का आदमी शराब के नशे में धुत होकर शिमला राजमार्ग पर ऐसे हरकतें कर रहा है जो कि कानून के विपरीत है, लेकिन फिर भी लोग भी इसमें तमाशबीन बने हुए हैं। तो और अभी तक अगर प्रशासन ने भी इस संबंध में कुछ नहीं किया तो लगता है शायद सभी मौन अवस्था सुप्त अवस्था में तभी जागते हैं जब कोई अनहोनी घट जाए, या फिर ऐसे आदमी जो लोगों के लिए वहाँ पे चलने वाले वाहनों के लिए भी खतरा है, उनको अगर कोई ऑफेंस होता है या इसमें किसी की जान जाती है या इसकी वजह से कोई दुर्घटना हो जाती है, तो ऐसे में इसका उत्तरदायी कौन होगा, यह भी एक स्पष्ट सवाल बना होगा। घुमारवीं नगर परिषद के विभिन्न भागों में बारिश से काफी तबाही हुई है। नगर परिषद के अध्यक्ष राकेश चोपड़ा व अधिकारियों ने बेशक हुए नुकसान का जायजा लिया है तथा लोगों को भरोसा दिलाया है कि भविष्य में हर संभव मदद की जाएगी तथा जो नुकसान हुआ है उसका भरपाई की भी कोशिश की जाएगी। रविवार सुबह किस्में हुई बारिश से फिर काफी तबाही हुई है। शहर के मीट मार्केट के साथ बह रहे नाले ने ऐसा रौद्र रूप दिखाया और पानी सड़क पर बहने लगा तथा कुछ दुकानों में जा घुसा है, जिसे दुकानदारों का भी नुकसान हुआ है और साथ में सत्संग भवन को जाने वाली सड़क भी काफी धस गई है और काफी हिस्सा गिर भी गया है। नगर परिषद के अध्यक्ष राकेश चोपड़ा ने बताया कि नगर परिषद के विभिन्न वार्डों में काफी नुकसान हुआ है, जिसका अनुमानित नुकसान लगभग 1.5 करोड़ का आंका गया है। सिरमौर जिला के गिरिपार क्षेत्र में यूं तो हिंदुओं के कई त्योहार अलग अंदाज में मनाए जाते हैं, मगर क्षेत्र में मनाई जाने वाली गोगा बल पर भक्तों द्वारा खुद को लोहे की जंजीरों से पीटे जाने की परंपरा काफी खतरनाक व रोमांचक समझी जाती है। क्षेत्र के सैकड़ों गांवों में शनिवार व रविवार को गोगा बल अथवा गोगा नवमी उत्सव पारंपरिक अंदाज में मनाया गया। श्री कृष्ण जन्माष्टमी की रात माड़ी कहलाने वाले एक मंजिला गोगा मंदिरों में पारंपरिक भक्ति गीतों के साथ शुरू हुआ। उक्त पर्व रविवार साय तक चला। करीब 2.5 लाख की आबादी वाले गिरिपार के उपमंडल संगड़ाह सिलाई व राजगढ़ की 130 के करीब पंचायतों में देवभूमि हिमाचल के इस अनूठे धार्मिक उत्सव को धूमधाम से मनाया जाता है। इस दौरान क्षेत्र के लगभग सभी बड़े गांव में 2 दर्जन के करीब गुगा भक्त अथवा श्रद्धालु खुद को लोहे की जंजीरों से पीटते हैं। लोहे की जंजीरों से बने गुगा पीर के अस्त्र समझे जाने वाले कोरड़े का वजन आमतौर पर 2 किलो से 10 किलोग्राम तक होता है, जिसे आग अथवा धुएं में गर्म करने के बाद श्रद्धालु इससे खुद पर दर्जनों बार करते हैं। गुगा बल शुरू होने पर गारुड़ी कहलाने वाले पारंपरिक लोक गायकों द्वारा छड़ियों से बजाने वाले विशेष डमरू की ताल पर गुगा पीर शिरगुल देवता रामायण व महाभारत आदि वीर गाथाओं का गायन किया जाता है। गुगा पीर स्तुति अथवा शौर्य गान शुरू होते ही भक्त खुद को जंजीरों से पीटना शुरू कर देते हैं तथा इस दौरान कई भक्त लहूलुहान अथवा घायल भी होते देखे जाते हैं। गुगा बल गिरिपार का एकमात्र त्योहार जो जातिगत बंधनों से ऊपर उठकर मनाया जाता है तथा रोट कहलाने वाले देवता का प्रसाद स्वर्ण व हरिजनों में बराबर बिना छुआछूत व भेदभाव के बांटा जाता है। लोक कथा के मुताबिक बागड़ राजस्थान के गुगा महाराजा द्वारा शिरगुल देवता की दिल्ली की मुगल सल्तनत की कैद से आजाद करवाया गया था।
जैसा कि आप जानते हैं, आज देवामानल सतीबाग में हमारा कार्यक्रम था जो कि गुगा नवमी के उपलक्ष्य में मनाया गया, और हर साल ये बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। ये जो त्यौहार है ये जन्माष्टमी के दूसरे दिन मनाया जाता है, और जो गुगा महाराज हमारे इष्ट देवता है उनके जन्मोत्सव पर ये त्यौहार मनाया जाता है। हर वर्ष की भांति इस बार भी जो हमारे नवयुक्त मंडल देवामानल सतीबाग है उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से आयोजन किया था, और ऐसे कार्यक्रमों से हमारी जो संस्कृति है, पौराणिक कथाएं हैं, जो पौराणिक हमारी लोक गाथाएं हैं, उनको सोच देखने सुनने और उनका सामना करने का एक सुअवसर प्रदान होता है। और मैं भविष्य में भी नवयुग मंडल से ऐसी कामना करता हूं कि वो ऐसे कार्यक्रम आगे भी आयोजित